पांचवा दिन कैसा गया? आज तो भयंकर गया था भाई, वो तो एकदम ही गिर गया, कुछ टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। नहीं यार, पूरा पूरा टाइम दिया था उसने, कम से कम 1-1.5 घंटा दिया उसने अच्छे से पोजीशन बनाने के लिए। अरे वो एक तरफ ही गिरता चला गया तो हो ही नहीं पाया कुछ। कोई बात नहीं, पर जब ऐसा कभी हो ना तो बेस्ट क्या रहता है कि रेशियो स्प्रेड बना लो। ठीक है, रेशियो स्प्रेड में ओके होता क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड भले ही कम हो, लेकिन उसमें क्या, अगर ट्रेंडिंग कुछ मूव आ गया तो रेशियो स्प्रेड रिवॉर्ड बहुत अच्छा देता है। ठीक ओके है, वो भी अपन आज डिस्कस कर लेंगे। कैलेंडर स्प्रेड या रेशियो स्प्रेड। नहीं, बैक रेशियो स्प्रेड होता है, एक ओके ओके बैक रेशियो स्प्रेड बेसिकली ऑप्शन बाइंग का तरीका है, बट लॉस को लिमिट करने का, कि भाई ओके अगर हमें हार्ड एसएल नहीं लगाना है तो ठीक है, हम छोटा प्रॉफिट ले लेंगे, ट्रेड ऑफ कर लेंगे। मतलब या तो हार्ड एसएल लगाओ, हर चीज का ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, रिस्क बढ़ा लो तो रिवॉर्ड हाँ ज्यादा हो जाएगा, रिस्क थोड़ा कम कर लो तो बिल्कुल रिवॉर्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी के बेसिस पे हाँ, पहले बस वो हम, लिया था मैंने दिसंबर का जो है पुट स्प्रेड बना ली मैंने। चलो बढ़िया है। मैं तो 17,500 से दिसंबर और सितंबर में दोनों में ही शॉर्ट बैठा हूँ। ठीक है, वो बात अलग है कि दो दो 3 दिन 4 दिन रनिंग लॉसेस आए, लेकिन एज अ ट्रेडर जब ये सब पता चल जाता है ना आप लोगों को, तो फर्क नहीं पड़ता यार। पता है, जब हमने रिस्क बना के लेके जरिए जा ही रहे हैं, वो जीरो सही हो बात जाए है। तो इफ दैट इज अंडर माई रिस्क एपिटाइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर पोजिशन देखने की अभी भी वो जरूरत नहीं कैसे चल पड़ती रहे हैं उसको। वैसे। अच्छा आज कल तक तो काफी काफी लॉस दिखा रहा था रनिंग लॉस, आज उसका आधा हो गया कम से कम। मतलब सोचो, सिर्फ ओके टू सही हंड्रेड है, पॉइंट चलो के फॉल में ही बढ़िया। वो आधा हो गया, वो हाँ सही इसलिए बात है, आधा हो क्योंकि के मिक्स फ्यूचर के पड़ लाइक गया। एक्ट करेगा, उसका जो हाँ, डेल्टा मिक्स बहुत पड़ गया हैवी है ना। ना। हाँ मेन मेन बात है कि नीचे नीचे जब गिरा तो 2% भी मिक्स पड़ता है, तो मेरे ऑप्शन के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एट द एंड है तो वो ऑप्शन बाइंग का टाइप ही, सेलिंग तो करी हाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक सही बात है, है, तो बिल्कुल एनी हाउ, अगर हम पहले डेटा से पहले हम क्या डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ। ठीक है, आज आप लोगों से पहले भी शेयर कर दिया था मैंने, मॉर्निंग की ये बात है कि कि जो डेटा है, देखो डेटा कैसे एनालाइज करना है वो हमने एक सेशन ऑलरेडी कर लिया है, बट फिर भी हम एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं कि ये रहा। ठीक है, अब इसमें बताओ कि आप लोगों में से किस किस को पता है कि मैंने मार्क्स, देखो मैंने लिखा नहीं है इसमें, मैंने बाद में लिखा था, मैंने लिखा ही नहीं शायद इसमें, शायद इसमें मैंने सिर्फ शेयर करी थी। हाँ नहीं, बाद में लिखा है। ठीक है, मैंने मार्क करके दे दिया। अब इसमें बताओ मुझे कि आपके क्या, मतलब क्या समझ में आता है ऑप्शन चेन में, कि कैसे इंटरप्रेट करोगे? इफ आप ऑप्शन चेन के थ्रू ही आप ट्रेड लेते हो तो कैसे इंटरप्रेट करोगे? ठीक है, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये बेसिकली 10:30 के आसपास की है। ठीक है, तो पहले गेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गए तो मैं करेक्ट कर दूंगा, कि इस ऑप्शन चेन में ये जो मैंने 3 चीजें मार्क करी हैं, वाई आर दीज थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट? कॉल का ओवाई बैक टू बैक है और वॉल्यूम फुट साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, और ये तो दो चीज आपने पकड़ ली। देखो, आज अग्रेसिवली ट्रेड क्यों लेना बनता था, दो चीज आपने पकड़ ली कि कॉल साइड में बैक टू बैक ओवाई जनरेटेड है और पुट साइड में वॉल्यूम जनरेटेड है। ठीक है, बट देयर इज वन मोर टिक, मैंने एक सर्कल और किया ये वाला। उसका कोई स्प्रेड नहीं बना, वो नेकेड कुछ है ऐसे। हाँ, नेकेड तो है, बट आप ये समझो कि प्राइस ट्रेड करिए 39,500 पे। ठीक है, इसकी ओआई जो बैक में कोई जनरेटेड है, सपोर्ट नहीं है, बैक हाँ बैक में कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगर बैक में में कोई कोई सपोर्ट सपोर्ट नहीं नहीं है है। हाँ तो ये क्या हो गया, मतलब कि किसी ने स्पेक्युलेटिव पोजीशन बनाई है, हेज करके नहीं बनाई है, मतलब कि उसने स्प्रेड्स नहीं बनाए हैं। अब हम इसको माने क्या, क्या ये तो ओआई तो 90,000 बहुत ज्यादा है, इसके एटीएम देखोगे 80,000 का, इसके एटीएम देखोगे तो ऑलमोस्ट 90,000 का है। ठीक है, तो अब इसमें मेन चीज आती थी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार स्ट्रॉन्ग हैंड बायर था इस केस में या सेलर था। ठीक है, तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया इस चीज को, जब चीज स्पेकुलेशन हो जाता है ना, उस स्पेकुलेशन में अगर वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है तो हम इस स्पेकुलेशन को क्या मानेंगे, बाइंग मान के चलेंगे कि यार किसी ने हेविली बाइंग बाई करा है। ठीक है, और यही चीज मैंने लिखा था कि यार, और ये 10:40 की बात है, जब मार्केट गिरा नहीं था उस टाइम कंसोलिडेट ही करा था। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ओसी में हाईली स्पेकुलेटिव ओआई बन चुका है, कुड प्रॉबेबली बी बाइंग। ठीक है, हमें नहीं पता बाइंग का कब पता चलेगा, जब वो रेंज तोड़ देगा। ठीक है, इसलिए लॉन्ग तो जाना ही नहीं आज। ठीक है, तो नंबर 1, आज शॉर्ट क्यों जाना था, आज शॉर्ट इसलिए ही जाना था क्योंकि एक तो ऑप्शन चेन की तरफ से कोई भी बुलिश सिग्नल था ही नहीं मार्केट में। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट मार्केट में जो रेंज बन गई थी ना, उसमें वॉल्यूम जो जनरेट हुआ था
वो हाईली मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ था विद इन अ वेरी स्पॉट, कहते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, अब जैसे ये रेंज, ये रेंज इसको मैं हटाता हूँ, इसमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस एरिया में जब ये मार्केट में चल रहा था ना, तो बहुत ज्यादा हेविली प्राइस रेंज में वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इधर? लेकिन अब आप बोलो, अब आप ट्रेडिशनली वॉल्यूम को फॉलो करते हो तो आप क्या बोलोगे इस चीज को कि क्या हो रहा है मार्केट में? इधर तो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम एकदम खत्म हो चुका था, ठीक है। अब इसको क्या, आप जनरली ट्रेडिशनल वे में तो जो चीज ट्रेडिशनल होती है उसमें आप पैसा तो कमा नहीं सकते इतना ज्यादा कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो इस चीज को कोई भी बोल देगा कि हाँ यार प्राइस मोमेंटम जा चुका है प्राइस में, बट हम, मैंने क्यों लिखा कि भाई वॉल्यूम बहुत ज्यादा वॉल्यूम कंसोलिडेट हो रहा है, बाइंग हो रही है वॉल्यूम में, ठीक है, वेदर शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल में बाइंग हो रही है या फिर वैसे नॉर्मल लॉन्ग करके बाय कर रहे हैं, बट बाइंग हो रही है, ठीक है। तो ये खुल के नहीं आ पता नहीं। ठीक है, तो आपको ये पीक दिख रहा है वॉल्यूम प्रोफाइल का? बेसिकली नॉर्मल वॉल्यूम को छोड़ दो, वो ज्यादा हेल्प नहीं करती, ठीक है। मेन चीज है कि हमें क्या पता चला कि इस कंसोलिडेटेड वाले जोन में बहुत ज्यादा पोजीशन बिल्डअप हो गई है। हमें नहीं पता अभी शॉर्ट साइड है लॉन्ग साइड है, वॉल्यूम के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट है लॉन्ग है, ठीक है। हमें इतना पता था कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेटेड है। सेकंड सपोर्ट किससे मिला था? मैं ऑप्शन चेन से मिला था कि भाई लॉन्ग ली जाएंगे क्योंकि ऑप्शन चेन पूरी तरह बेरिश थी, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि यार मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में घुस चुका है, किसी ने बहुत बड़ी पोजिशन बना चुके हैं, ऑप्शन चेन हमें बेरिशनेस दिखा रही है। तो रादर देन गोइंग लॉन्ग, व्हाट कुड वी हैव डन? मान लो अगर हमें रिस्क ज्यादा बड़ा नहीं लेना था, ठीक है, नहीं पुट स्प्रेड भी नहीं बनाना, हमें नहीं पता कि यार पुट स्प्रेड भी तो लॉस देगा ना, अगर देगा तो मान लो हमें वो रिस्क भी नहीं करना, तो बेस्ट हो जाता है मान लो 10:30 है ना, हम 10:30 के आसपास ही मान लो वो पोजिशन ले लेते हैं। मुझे मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है बैक स्प्रेड। बैक स्प्रेड कैसे बनता है, इसको 10:30 लेके जाऊं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एट दी मनी को सेल कर दूंगा और ओटीएम को बाय कर दूंगा दो, ठीक है। इसका ग्राफ देखो तो उससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा बन गया बैक स्प्रेड। अब मान लो कि मार्केट रादर देन गोइंग डाउन, इफ इट गोज अप, लेट्स से कि वो आज का डे हाई तोड़ देता, एसएल क्या होता है मेरा, इसको बैंक निफ्टी करता हूँ, मतलब बेसिकली एसएल मेरा डे हाई तो होता, ठीक है। तो अगर एसएल मेरा डे हाई था, यहाँ पे था, तो एसएल मेरा रफली हो जाता 39,700 का, ठीक है। तो 39,700 को अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा लॉस कितना बनता है इसमें, देखो में बनेगा क्या नहीं बनेगा, एट द मनी की एक उनतालीस बाई की है और आउट ऑफ द मनी की नहीं, दो एट सेल दी है ना। मनी की, एट दी मनी की सेल है, दो आउट ऑफ दी मनी की बाई है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इधर मेरा अगर 39,700 प्राइस आ जाता है तो मेरा सिर्फ 1,600 रुपए का रिस्क बनता है, ठीक है। अब मान लो यही चीज आप पुट स्प्रेड में बनाते हैं, चलो मैं इसको पुट स्प्रेड बना देता हूँ, बट आपका क्या इसमें प्रॉफिट लिमिट हो जाएगा और उल्टा करना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ सही कहा। ठीक है। प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड हो गया और लॉस भी लिमिटेड हो गया, ठीक है। इन अ वे बात बराबर है। तो हमने क्या किया, मानो हम करते हैं कि हमने बैक स्प्रेड बना लिया, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि मेरा जो एसएल लगेगा उसमें 1,000 रुपये जाएगा, बट सॉरी इफ इट गिव्स अ गुड मूव तब तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बट अगर मूव भी देता है ना तो रिस्क के जितना रिस्क करोगे ना उतना रिवॉर्ड तो मिल ही जाता है इसमें, मतलब 1:1 का रिवॉर्ड फिर भी मिल जाता है। अब मान लो मैं इसको आगे करता रहूं तो आज के दिन में कितना बनता, मान लो एंड ऑफ डे मैक्सिमम ही लिया लॉस भी आपने, ज्यादा नहीं है इसमें, 7,800 इंट्रा डे, है। इंट्रा डे के लिए बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आज आज में इफ आई हैड डन नथिंग जस्ट टेकन अ पोजीशन, तो 8,000 तो वैसे ही बन रहे थे इसमें, ठीक है। तो फॉर इंट्रा डे लर्निंग क्या है कि इंट्रा डे के लिए अगर आपको एसएल हार्ड एसएल नहीं लगाना ना तो मत लगाओ, आप बैक स्प्रेड से खेल लो, ठीक है। रिवॉर्ड कम ले, क्योंकि ट्रेड ऑफ तो दोनों जगह होगा, अगर रिस्क, रिवॉर्ड रिस्क ज्यादा लोगे तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा,
आप अपना रिस्क कम करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी कमी उसी के अकॉर्डिंगली मिलेगा, ठीक है, ये तो मार्केट का वो है असूल है, ठीक है। तो सारी पोजीशन ऐसी ही बनती है बैक स्प्रेड में। अगर मार्केट ज्यादा नहीं गिरती तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि आपका आज प्रॉफिट 100-500 हजार रुपये ही बन जाता, 1500 बन जाता मैक्सिमम, ठीक है। बट मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर गई तो इसका मतलब, एक सेकंड गाइस, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंडिंग मूव अच्छा मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली अब होता क्या है, जनरली आप लोग सिंगल लॉट लेते हो, जो मल्टीपल पोजीशन बनाते हैं वो पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं, वो पुट बैक रेशियो स्प्रेड भी बना सकते हैं, मतलब दो तीन चीजें पोजीशन बना के लेके जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और किसी भी एक को एक टाइम बुक करके दूसरे का प्रॉफिट या लॉस फ्री कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो रेशियो स्प्रेड क्या होता है कि एट दी मनी की सेल कर लो या आपके ऊपर है टोटली, आप एक स्ट्राइक और नीचे जाके सेल कर लो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है तो। बट आपको पता है कि यार सिर्फ थोड़ा सा मूव आएगा, तो बेस्ट क्या है, एट द मनी सेल करो, एक स्ट्राइक ऊपर की दो बाय कर लो, ठीक है। तो ये होता है जनरली रेशियो बैक रेशियो स्प्रेड, और इंट्राडे के लिए स्पेशली ऑन फ्राइडेज मंडेज एंड ट्यूजडे जब डीके ज्यादा नहीं होता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। एक्सपायरी के पास तो हम सेलिंग ही करेंगे क्योंकि हमें पता है थीटा का डीके हमें अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। किसी कोई डाउट है इसमें बैक रेशियो स्प्रेड बनाने में? नहीं 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 है, तो फिर हम आगे चलें और आज की डेटा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब मेन चीज है कि हम इतने दिनों से क्या डिस्कस कर रहे थे, हम इतने दिनों से ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो जो नीचे पोजीशन बनी थी, ठीक है, उसको हम इतने टाइम से डिस्कस किया कि उसको अपर लेवल्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अपर लेवल्स तो आ गए, अब इन अपर लेवल्स पे हमें देखना क्या है, जो नीचे डेटा बनी थी स्टॉक फ्यूचर्स की, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, मतलब कि जो लॉन्ग्स उन्होंने फ्यूचर्स में कर रखा है क्या वो यहाँ पे हटा रहे हैं, हटाने के साथ साथ क्या वो फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तभी तो हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यार अब मार्केट टॉप आउट कर सकता है, मैं ये नहीं बोला टॉप आउट कर देगा या टॉप बन चुका है, ठीक है, बिकॉज वी कैन नेवर टाइम द टॉप ऑफ द मार्केट, कभी कभार हो जाए बहुत अच्छी चीज है बट नॉट एवरी टाइम। तो इसलिए रनिंग लॉस उतना ही लो जितना आप एपेटाइट, मतलब जितना आप पचा सकते हो उस चीज को, ज्यादा ले लोगे तो आप उस पोजीशन को काट दोगे, लॉस होती जैसे होगा लॉस काट दोगे। तो अब दो तीन दिन से एनालिसिस भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि दो तीन दिन से वो कह रहा है लॉन्ग के जो हैं फ्यूचर के लॉन्ग उनमें बुकिंग तो आ रही है नो डाउट, बट एग्रेसिव अभी शॉर्ट्स अभी भी नहीं बन रहे हैं। मार्केट गिर गई यार ठीक है, वो मार्केट के ऊपर कब गिरना कब नहीं गिरना, लेकिन अभी भी अग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं बने हैं। तो जब तक वो अग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं बनेंगे तब तक मार्केट इतनी जल्दी तो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, जा सक जाएगी नीचे जिस हिसाब से लग रहा है कि जाना चाहिए नीचे, बट जब तक वो डेटा नहीं बने, आप समझो गाड़ी चलेगी कैसे, जब तक गाड़ी में तेल ही नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चल सकती, राइट। वो तेल क्या है, वो तेल ये है कि भाई फ्यूचर के स्टॉक के शॉर्ट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, अगर बनाए हैं बहुत ही अच्छी चीज है, तब गाड़ी नीचे की तरफ चल देगी, ठीक है। तो अब हमने ये तो हो गया डेटा के पे, अब डेटा एक्चुअली पोर्ट्रे क्या कर रही है, देखो कैश में आज बाइंग करी है, डीआईएस ने सेल किया है, बट एक्चुअल में एफआईएस ने खूब बेचा है आज, ठीक है। नेट बेसिस पे आपको लग रहा है कि 500-600 करोड़ का नंबर नेगेटिव है, बट एक्चुअली में एफआईएस जब बेचते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि एफआईएस जब बेचते हैं तो किसको बेचते हैं आपको पता है, दो चीजें जो उनकी फेवरेट है, नंबर वन है आपका एचडीएफसी, ठीक है, मार्केट खुले और आपको लगे कि एचडीएफसी के ट्विंस जो हैं इनको बेचा जा रहा है तो आप समझो कि एफआईआईज ही बेच रहे हैं, ठीक है। सेकंड कौन है हमारा, बजाज के ट्विंस, अगर बजाज ट्विंस ही मार्केट में बेचे जा रहे हैं तो मतलब कौन बेच रहा है उनको, सिर्फ एफआईआईज ही बेच रहे हैं, बिकॉज मार्केट में इन्हीं दोनों को गिराया जाता है एफआईआईज के द्वारा सबसे पहले। और अब आप बोलो कि हाँ यार इनको बेची क्यों रहे हैं, बजाज फिनसर्व अपने ऑल टाइम हाई के वेरी क्लोज है, ठीक है, पिछले हाई के तो पास पहुंच ही गया, बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस भी अपने ऑल टाइम हाई लास्ट टाइम वाले स्विंग हाई को क्रॉस कर गया था, ठीक है। व्हाट अबाउट एचडीएफसी,
एचडीएफसी भी ऑलमोस्ट उसी के पास है, व्हाट अबाउट एचडीएफसी बैंक? ठीक है, ये भी अपने अननेचुरल इसको छोड़ दोगे तो उसी उसी सप्लाई जोन के अंदर घुसा पड़ा है। ठीक है, सो व्हेनेवर यू सी कि भाई बजाज ट्विंस को बेचा जा रहा है और एचडीएफसी बैंक को बेचा जा रहा है, तब आप एक ऑब्जर्वेशनली ये समझ सकते हो कि मार्केट में कौन बेच रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं। एफआईएस बेच रहे हैं तो जो हमारा इंट्राडे का व्यू, हमारा जो पोजिशनल व्यू है ना, वो इंट्राडे में हमें इंडिकेशन दे देता है। तो हम चाहो तो इंट्राडे में भी आप शॉर्ट्स बना सकते थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट किया था 17,760 पे, नहीं 17,960 पे, सॉरी, ये ऑर्डर लाके छोड़ देते, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, एसएल क्या था, इतना सा था सिर्फ, बुक कब किया, 100 पॉइंट नीचे 860 पे। ठीक है, तो बेसिकली डेटा में हमने क्या देखा कि कैश में जो है बाइंग है नेट बेसिस पे, बट ये बाइंग किस में करी है वो हमें नहीं पता। सेलिंग जो पता है वो हमें पता है कि इंडेक्स के हैवी वेट में करी जा रही है। ठीक है, ये भी थोड़े दिनों की बात है, ये भी नंबर नेगेटिव होने ही वाला है। कमिंग बैक टू डेरिवेटिव, हम देख रहे हैं कि आज भी इंडेक्स में लॉन्ग्स हटाए गए हैं और अग्रेसिवली शॉर्ट्स बनाए हैं। ठीक है, अब जब ऐसा इंडेक्स के अंदर बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि भाई एटलीस्ट कमिंग वीक कैन बी बेरिश। ठीक है, हम अभी भी, मैं अभी भी आपको ये नहीं बोल रहा मार्केट में कि मार्केट में भाई नीचे अब गिरी जाएगा, अब टॉप बन गया है। क्यों नहीं बोल रहा मैं ये चीज, क्योंकि अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स के जो लॉन्ग है वो बचे हुए हैं, उनमें थोड़ी बुकिंग आएगी और अग्रेसिवली शॉर्ट्स बनेंगे, तब हम कंजर्वेटिवली ऐड कर सकते हैं उस चीज में। चाहो तो अभी भी अग्रेसिवली ऐड करना है तो जो अभी स्विंग है बना उसको ऐसे लगा के कर सकते हो, बट नहीं करना तो लेट इट बी। इंडेक्स का हो रहा है, इंडेक्स का मतलब कि इंडेक्स की जो अभी तक अप मूव आया उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वेदर दैट विल टर्न इन टू अ सेल ऑफ, दैट नो बडी नोज। ठीक है, इवन आई डोंट नो, वो डेटा में जब तक लॉन्ग्स बुक नहीं होंगे मैं भी आपको कंफर्मेशन के साथ नहीं बोलूंगा कि हाँ आप भेज दो। ठीक है, तो इंडेक्स में आज बेरिश बना के गए हैं, कल भी बेरिश बना के गए हैं, अब जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 50% से नीचे आ चुका है। जो नंबर ऑलमोस्ट 60% हो गया था रेशियो जो था इनका, एफआईएस का लॉन्ग टू शॉर्ट का, जो 66 तक हो चुका था वो अब 48 तक आ चुका है। ठीक है, एंड आई थिंक 40 के थोड़ा और नीचे आएगा तो वापस पोजिशन बेरिशनेस की ही बन जाएंगी इनकी, और उनको स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग में बुकिंग करनी पड़ेगी। इंडेक्स ऑप्शन में देखोगे तो इसमें तो मतलब कि बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही दिख रहा है कि कॉल शॉर्ट नेकेड ज्यादा करके गए, कितनी नेकेड ज्यादा करके गए वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है, 70,000 कॉन्ट्रैक्ट नेकेड ज्यादा है कॉल शॉर्ट। ठीक है, सिमिलर कहानी यहाँ पे, ऑलमोस्ट 47,000-43,000 लॉन्ग्स पुट के ज्यादा है। ठीक है, कल क्या डिस्कस किया था, कल यही डिस्कस किया था कि यार उन्होंने जो कैरी करा है डेटा, रोल ओवर किया है नेक्स्ट वीक में, वो बेरिश ही किया है। क्यों? क्योंकि पुट के लॉन्ग ज्यादा अभी भी पड़े थे सिस्टम में, उसी को उन्होंने इस चीज से फोर्टिफाई कर दिया कि आज भी पुट लॉन्ग करके लेके गए हैं, वो कॉल शॉर्ट भी करके गए हैं, तो मार्केट में पोजीशन तो पूरी बेरिश है। ठीक है, बट हाउ विल दैट प्ले आउट, वो हमें इंटरडे में अगर फ्लैट मिल जाए ना, या गलती से गैप अप मिल जाए तब हम शॉर्ट करने कर सकेंगे, नहीं तो अगर पहले ही वो गैप डाउन मिल गया तो फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिलेगी। ये जो नंबर ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स का है, तो आप इधर देखो कि स्टॉक के फ्यूचर्स के लॉन्ग्स में बुकिंग शुरू हो रही है। ठीक है, सिंस वी हैव ओनली 5 डेज एक्सपायरी के, तो एक बड़ा नंबर यहाँ से जा सकता है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि बड़ा नंबर जाए तो जाए, बट एक बड़ा नंबर यहाँ पे भी तो आए, अपार्ट फ्रॉम 12th अगस्त यहाँ पे एक बड़ा नंबर अभी भी मिसिंग है। ठीक है, तो वो बड़ा नंबर एक बार आ जाए, 27,000, 20,000, 25,000 जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक बार आ जाएगा तब थोड़ा हम शांति से कंजर्वेटिव शॉर्ट से बना सकते हैं, जो एक दो दिन के लिए मे बी रनिंग लॉसेस दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, इनका टोटल नंबर आप देखोगे तो इंडेक्स का एक ही दिन में पूरी डेटा घूम गई है, 1 लाख नेगेटिव जा चुका, मतलब 1 लाख की नेगेटिविटी घुसी है। क्यों 1 लाख बोल रहा हूँ, क्योंकि 53 से 64 हो चुका है, ये जो नंबर है ये 356 हो चुका है। अब एनालिसिस में आपने देखा होगा कि आई एम रिपीटेडली सेइंग कि यार ये 2 लाख के आसपास आ जाएगा, तब मार्केट में हम अच्छे से एक टॉप बन चुका है उसकी एक कंफर्मेशन रख सकते हैं, पर जब तक नहीं आएगा, जब तक मार्केट, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में टॉप बन गया हो, बट उस टॉप बनने के बाद अब मे बी वो 4-5 दिन इसी रेंज में घूमते रहे। कौन सी रेंज में,
जो पहले इस रेंज में घूमा था, पहले पहले की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये जो रेंज है, ड्रॉ करता हूँ बॉक्स, ये जो रेंज है ना, इसमें आके 16800 के इसके ऊपर रख लो, इस रेंज में आके फंस जाएगा, एक बार तो फंसेगा। ठीक है, और वो रेंज जब टूटेगा ना, तब एक अच्छा मूव आएगा, बिकॉज एवरी टाइम यही हुआ है कि जब ये रेंज टूटी है, एक बड़ा मूव आता ही है। ठीक है, तो सिमिलर वी कैन एक्सपेक्ट अगेन कि मार्केट इस रेंज में आके, और इस रेंज में आके थोड़ा साइडवेज घूम जाए, जो लॉन्ग फ्यूचर हैं स्टॉक के वो अनबाइंडिंग हो, और इसी दौरान मार्केट के स्टॉक के शॉर्ट्स बनाए जाएं। ठीक है, जब तक मार्केट में शॉर्ट्स नहीं बनेंगे, आई के नॉट कम, मतलब डेली, मतलब कि एकदम बोल दूं कि यार ये लो वापस आ जाएगा, वो शॉर्ट्स बनना जरूरी है। वो शॉर्ट्स नहीं बनेंगे तो मार्केट में भी एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वापस ऊपर चल जाए। ठीक है, तो डेटा के बेसिस पे यही है, इसके अलावा डेटा में और कुछ खास है भी नहीं। बाकी आपकी जो क्वेश्चंस हैं अब वो पूछ लो, अगर मतलब बेसिक से बेसिक क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हो, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ टाइम, 10:30 तक बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं है तो छुट्टी करें। ठीक ठीक है, भाई यार, बॉन्ड इन्वर्जन एक बार एक्सप्लेन करे हो। कौन सा बॉन्ड इन्वर्जन जो आप उस दिन बता रहे थे वो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। ये बॉन्ड इन्वर्जन? देखो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, आप खुद ही आंसर कर दोगे, समझने का भी कुछ नहीं है। अगर आपको बोला जाए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, बैंक से आपको एफडी करानी है, तो अगर आपको बैंक दे रहा है 2 साल के अंदर आपको दे रहा है 3% और 10 साल में दे रहा है आपको 2.5%, तो कौन सा कराओगे आप? इधर ज्यादा मिल रहा है वहीं पर जाएंगे, हाँ, और कम लेकिन टाइम हिसाब भी से, कम है। हाँ तो हिसाब से लेकिन होना क्या चाहिए, जब टाइम ज्यादा है तो आपका रिस्क बड़ा है, रिस्क बड़ा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने चाहिए आपको, बट वो चीज नहीं हो रही। तो मतलब कि बॉन्ड रेट्स क्या हो गए हैं, इन्वर्ट हो गए हैं, कि आपको जब दिख रहा है कि मार्केट में करंट करंटली करंट मंथ के या फिर नियर टर्म के इंटरेस्ट रेट आपको कोई ज्यादा दे रहा है, वो ज्यादा तभी देगा ना जब उसको पता है कि मार्केट में एक फियर है, एक वोलाटिलिटी का सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, और जनरली कोई, और मान लो कोई दूर के, मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए थे, आपने अगले साल के एफडी बना दी 3% की, बट मेरे पास 1000 करोड़ रुपए थे, या मैं सब तो 100 करोड़ में लगाऊंगा नहीं, तो मैं फिर भी 10 साल को जो मुझे एफडी दे रहे ना वो 2.5%, मैं उसमें फिर भी दे रहा हूँ कि भाई तू मेरे 2.5% पे बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि भाई मुझे सियोरिटी मिल रही है, आई एम विलिंग टू टेक लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर माई मनी। ठीक है, वाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डील विद द अनसर्टिनिटी दैट इज राइट नाउ। दो इंटरप्रिटेशन हो गए, दोनों समझ में आए? ठीक है, तो अब दोनों से समझ में यही क्या, समझ में यही तो आता है कि करंट टर्म में वोलाटिलिटी है, फार टर्म में वोलाटिलिटी कम है, इसलिए इवन पीपल आर प्रेफरिंग कि भाई मैं पैसा दूर के बॉन्ड में लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आई डोंट वॉन्ट टू डील विद द अनसर्टिनिटी राइट नाउ, जिसकी वजह से इंटरेस्टेड नियर टर्म के ज्यादा है। ठीक है, जैसे 10 ईयर का अभी 2.9 पे चल रहा है, 3 ईयर का 3.2 पे चल रहा है, होना तो उल्टा चाहिए ना भाई, 10 को 3 की तरफ होना चाहिए और 3 ईयर को 2 की तरफ होना चाहिए। दैट इज वाई यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड और 3 ईयर का बॉन्ड में डिफरेंस है 0.3 का माइनस में, नेगेटिव में, और जो जो नेगेटिव में है, इस नेगेटिव को हुए ऑलमोस्ट महीना भर हो चुका है, महीने से ज्यादा हो चुका है, 1.5-2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है कि भाई इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि मार्केट में जब ऐसे सिनारियो बनते हैं, व्हेन पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग भाई शॉर्ट टर्म मुझे पैसा दे दो, मैं इतना नहीं झेलना चाहता, तो मार्केट में इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात आ जाती है, बिकॉज एवरी टाइम जब ये हुआ है मार्केट में स्लो डाउन हुआ है, स्लो डाउन आया है। ठीक है, और स्लो डाउन जब आता है तो मार्केट में क्या चीज आ जाती है, रिसेशन की बात आ जाती है। ठीक है, जैसे कि ये है 2008 का, ठीक है, ये 2008 का बॉन्ड इन्वर्जन है, ये है .com बबल जो बना था 2000 का, उसका है, और ये अब करंटली चल रहा है। ठीक है,
कोरोना के टाइम आया था, फिर ऊपर किसी तरह मेंटेन कर लिया उसको, बट राइट नाउ इट इज कम्प्लीटली इन्वर्टेड, जो कि इट्स नॉट अ प्लेजेंट सिनारियो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, फिर बाय बाय करें। ये अभी चैट में क्वेश्चन आया, थोड़ा सा देखो। कौन पूछ रहा है? अमित पूछ रहा हूँ। अमित हाँ बताओ। ये मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो इंटरनेशनल इवेंट है, अभी जैसे फेड की कोई मीटिंग वगैरह आने वाली है अभी कुछ? फेड की मीटिंग तो आप सितंबर में है, ठीक है, बट जो फेड की 2-3 दिन से वो आ रही ना कमेंट्री आ रही है, वो यही मतलब बार बार यही इंडिकेट कर रहा है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कम से कम 17 से 18 महीने लगेंगे कंट्रोल करने में इंफ्लेशन को, ठीक है। और चांसेस आरबीआई की शायद कोई आई है ना, एमपीसी मीटिंग का कुछ शब्द? या आरबीआई को इतना मैटर करता नहीं है, बिकॉज आरबीआई एनी हाउ उसी को फॉलो करेगा, सेंट्रल बैंक जो मतलब मेन तो यूएस का ही है जो अपन को फॉलो करेगा। कहां गया, रुको मैं दिखाऊं करंटली अभी कौन सी मीटिंग है, ये सेंसिबल में आ जाता है स्टॉक मार्केट कैलेंडर, ग्लोबल न्यू होम सेल मार्केट इंडिया 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 इंडिया, ये अभी तक तो कुछ नहीं दिखा रहा ये नियर में, होगा तो पता नहीं, बट होगा तो उससे मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, उससे कुछ ना तो बड़ा फॉल आएगा ना तो कुछ बड़ा रैली आएगी, ठीक है, बिकॉज टोटली अपना यूएस मार्केट से लिंक्ड है, जब तक एफआईआई को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इंडियन मार्केट से तो नहीं पड़ने वाला। विशाल जी पूछ रहे हैं कुछ, हाँ चैट में, हाँ मैं खोलता हूँ चैट में, वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे लगाया प्लीज एक्सप्लेन, या वॉल्यूम प्रोफाइल इधर जाओ, ठीक है इधर आ जाओ, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना तो आसान है, ठीक है, बट उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बिकॉज इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, जैसे आज आज भी मार्केट ने एक बार चांस दिया था कि ऊपर लॉन्ग कर दो, मैं दिखाता हूं, ठीक है, अब इसमें क्या दिखेगा, आपको लाइंस तो दिख रही है नो डाउट, ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसके ऊपर गया और क्लोजिंग भी दे दी तो हमें लॉन्ग जाना चाहिए था, ठीक है, बट इफ यू रिमेम्बर मैंने ये तो शॉर्ट बनाया था 960 वाला, 17960 वाला, ठीक है विशाल, तो पुटिंग इट इज ईजी, ठीक है, इंटरप्रेटेटिंग इंटरप्रेट करना वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ऐसा क्यों है कि मैंने शॉर्ट्स ही बनाए, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था इसलिए, या फिर वो डाटा देख, नहीं नहीं पहले तो ऑप्शन चेन से कोई पॉजिटिवनेस तो दिख नहीं रही थी, ठीक है, फर्स्ट नंबर वन, और मैं अगर बना भी लेता तो फर्स्ट मेरा रेजिस्टेंस तो प्रीवियस डे हाई हो जाता, मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना बनता, मान लो मैं इस कैंडल पे लॉन्ग कर भी देता जब उसने तोड़ा उसको, इसका ऐसे लगा भी लेता तो मेरा तो रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है, 1:1 का भी नहीं बन, मुश्किल से 1:1 का बन रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो भाई इसको इंटरप्रेट करना इट्स मोर इम्पोर्टेंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड के अंदर होना दैट इज सेकंड थिंग, एंड थर्ड थिंग इज वेदर एनीथिंग एल्स इज सपोर्टिंग इट और नॉट, क्या हमें ऑप्शन चेन में कुछ सपोर्ट सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिलेगा तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं मिलेगा तो एक बार के लिए वेट कर लेंगे, ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली जब भी मैं कोई पोजिशन लेता हूँ ना तो आई वॉन्ट, जैसे गैप अप हो गया और मुझे लॉन्ग करना है तो वट आई डू इज कि आई विल वेट फॉर इट टू क्रॉस द करंट डे हाई, ठीक है, शॉर्ट करना है तो सेम कहानी, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर शॉर्ट करूंगा, ये ऐसा पैटर्न आज तो नहीं बना बिल्कुल भी, तो फिर हमें हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ये रह गया कि एक बार डेटा को पूरा डेवलप होने दो, डेवलप होने के बाद एक बार मार्केट को डायरेक्शन देने दो, मार्केट ने जब डायरेक्शन दे दी तो एंट्री ले लो, ठीक है विशाल, इस पर मैं बनाऊंगा यार, उस पर अभी टाइम थोड़ा टाइम कम है या फिर थोड़ा आलस कह लो कि, तो YouTube पे पूरा प्लान तो है बनाने का, और थोड़े टाइम बाद ये थोड़ा मेच्योर हो जाएगा तो लाइव ट्रेडिंग भी कर लेंगे साथ बैठ के, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, ठीक है, और कौन है, और किसी से क्वेश्चन रह गया था,
चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना फिर? हेलो, हेलो अर्जुन, हाँ कौन? हाँ शाहिद। शाजिद। हाँ, हाँ शाहिद बताओ। वो FIDR डाटा एक बार बताना कैसे रीड करते हैं। हाँ देखो मैं बताता हूँ। पहले तो ये देखो, FISDR डेटा रीड करने से पहले आपको समझना चाहिए, जैसे प्राइस स्विंग में चलता है ना, वैसे ही डेटा भी स्विंग में चलता है, ठीक है? और डेटा बनती कैसे है वो भी आपको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। गाइस अगर ये सेशन बंद हो जाए ना, तो वापस इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वही 40 मिनट का रिस्ट्रिक्शन रहता है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट पहले ऊपर जाने से पहले कुछ डेटा में होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि बस कैश मार्केट में बाय करते रहो, प्रॉफिट कर लेंगे। FIs क्या करेंगे? FIs अपने ऊपर जाने से पहले यहाँ पे लॉन्ग्स बनाएंगे। किस चीज में लॉन्ग्स बनाएंगे? स्टॉक फ्यूचर्स में, ठीक है? यस, अब मान लो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग बन गए। अभी हम इंडेक्स की डेटा बिल्कुल मिक्स नहीं कर रहे, ऑप्शंस की डेटा मिक्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ पहली डेटा देख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स की, क्योंकि लॉन्गर टर्म में स्टॉक फ्यूचर की ही डेटा ही है जिसके बेसिस पे स्विंग्स बनते हैं। अगर एक स्विंग ऐसे बन रहा है आपका, मान लो मार्केट ऐसे गया, अब इस मार्केट में जाने में जरूरी थोड़ा एक ही लाइन में जाएगा, ऐसे जाएगा ना मार्केट तो, ठीक है? इंडेक्स की डेटा और ऑप्शन की डेटा, ये जो चीज है ना, इनको रीड करने में हेल्प करेगी, ठीक है? लॉन्गर टर्म इंडेक्स की डेटा इस ट्रेंड को रीड करने में हेल्प करेगी, स्टॉक फ्यूचर्स की डेटा इस ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है? तो अच्छा अब जब मार्केट नीचे है तो यहाँ पे क्या देखोगे आप? मतलब आप थोड़ा एक्टिवली देखोगे, ऐसे नहीं कि आप वेट करोगे कि बन रहा है नहीं बन रहा। मैं चाहूंगा कि मार्केट ने अगर बॉटम बनाना है ना, तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग्स होने चाहिए बहुत ज्यादा। अगर स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग बहुत ज्यादा होंगे तभी तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। DII छोड़ दो, FIs की बात करेंगे। FIs ने मानो सोचो यहां से लेकिन यहाँ पे जब मार्केट आया, उन्होंने बेचा 1 लाख करोड़ का माल, ठीक है? उस 1 लाख करोड़ का जो उनका पास पैसा आया ना, उन्होंने क्या किया? स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग बना दिए। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो 1 लाख करोड़ के यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग बनाए, वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी या इसकी? 1 लाख करोड़। 1 लाख? दोनों ही 1 लाख करोड़ है, बट यहाँ पे मैंने स्पॉट मार्केट में बेचा, यहाँ पे मैंने वो 1 लाख करोड़ कैश फ्यूचर्स मार्केट में लॉन्ग कर दिया स्टॉक फ्यूचर्स को, तो कौन सा ज्यादा फ्यूचर्स वैल्यू रखना है? फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्यों? क्योंकि 1 लाख के थ्रू मैं कंट्रोल कितना कर रहा हूँ? 5 लाख करोड़। हाँ, तो 1 लाख करोड़ की यहाँ पे मैंने सेलिंग करी है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने उसी 1 लाख करोड़ के थ्रू मैंने डेरिवेटिव्स में लॉन्ग कर दिया, लेकिन उस 1 लाख करोड़ के थ्रू मैं 5 लाख करोड़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाने में पेन एज अ रिटेलर मुझे ज्यादा होगा, या जो जो 5 लाख करोड़ को कंट्रोल कर रहे हैं उनको ज्यादा होगा, उनको है ना? उनको तो अब जो मुझे, हाँ बिल्कुल सही। तो अब मैं आपको अगर दिखाऊं कि यार जब मार्केट गिर रहा था, और एक बार नहीं मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, क्योंकि डेटा साइकिल में चलती है, ठीक है? इसमें दिखाता हूँ आपको। पहले बात करते हैं हम इस जो 8 मार्च को फॉल हुआ था ना मार्केट में, क्या उस फॉल के बाद भी मार्केट और गिर सकता था क्या? ये जो गिरा था 8 मार्च को, 7-8 मार्च को, ठीक है, क्या यहाँ से और गिर सकता था? गिरने को तो गिर ही सकता था, बट हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे लॉन्ग करें इस चीज को, ठीक है? एक सेकंड रुको, मैं डेटा में दिखाता हूँ आपको। 8 मार्च है ना, अब 8 मार्च को आपको क्या दिख रहा है कि नंबर कितना है लॉन्ग्स का? ऑल्दो इंडेक्स डेटा नेगेटिव है, ठीक है, शॉर्ट टर्म डाउन मूव आ सकता है, बट ऑलमोस्ट 3,55,000, 3,68,000, 3,81,000 नेट बेसिस पे लॉन्ग है फ्यूचर्स में, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, जब 3 लाख मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख ही मान लो इसको, ये 4 लाख के आसपास था, अगर 4 लाख फ्यूचर्स लॉन्ग है इनके पास, तो क्या मार्केट और कितना गिर सकता है? आप 10% तो गिर ये जाएगा क्या? लॉन्ग्स लॉन्ग्स मतलब कितने हैं अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ बुलिश नहीं, हो सकता है। वो हम एब्सोल्यूट नंबर तो मान के नहीं चलेंगे, हम तो साइकिल फॉलो करेंगे। ओके एक पॉइंट आएगा जहां पे ये नंबर एक पीक बना देगा, एक पॉइंट आएगा जब ये नंबर वापस कम हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा फिर ये नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है? ऐसे साइकिल चलती रहेगी, ठीक है? तो अब इसमें जब उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा लॉन्ग फ्यूचर में बैठे हुए हैं, तो वो ज्यादा दिन तो नीचे नहीं गिरा सकते। 3% नहीं गिराएंगे, 4% नहीं गिराएंगे, 5% तो बहुत ही ज्यादा इनका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? सो इस केस में जब हमें पता नहीं कि बॉटम कब बन सकता है, बट हमें इतना पता है कि ऊपर के लेवल जरूर आएंगे, तो राधर देन मेकिंग पोजिशन इन भाई करंट मंथ में, वीकली में, हम
फार मंथ में बना दो ना, कॉल बाय कर लो फार मंथ की, आईटीएम कॉल बाय कर लो, अगर ये भी नहीं करना तो निफ्टी 20 बाय कर लो, बैंक 20 बाय कर लो, ठीक है। और जब ये आपको दिखे कि भाई स्टॉक फ्यूचर के जो लॉन्ग है इनमें बुकिंग आ चुकी है, तब बुकिंग आ गई तो ये नंबर कम होगा, राइट, ये नंबर कम होगा तब हम अपने उनके लॉन्ग की पोजीशन से हट जाएंगे, ठीक है। अब इस बुकिंग में हमें क्या देखना होता है कि डेरिवेटिव वो आई में शॉर्ट पोजीशन बनी नहीं बनी, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव वाई की आप पोजीशन चेक करोगे तो हमें देखा कि शॉर्ट्स इन्होंने एग्रेसिवली फिर बनाने लग गए थे, ठीक है। मार्च का निकालते हैं एक बार, अप्रैल 1 के आसपास। अब आपको दिख रहा है ना, देखो 1 अप्रैल से लेके अग्रेसिवली पहले 9,000 थे, 2,000 थे, जिस दिन ये 17,000 18,000 आने लग गए तो हमें पता चल गया अग्रेसिवली जुड़े 23,000 नंबर, ठीक है। तो साथ साथ लॉन्ग बुकिंग के साथ साथ हमें क्या देखना है कि शॉर्ट्स एडिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो होगी सेकेंड चीज। सिमिलर चीज अभी जब हमारा 15 जून को लो बना था, सोचो मार्केट में कितनी पॉजिटिविटी थी, इवन मोर देन द लास्ट टाइम, द नंबर वॉज ऑलमोस्ट टचिंग 5 लाख के आसपास, देखो 427 442 5 लाख का नंबर ये रहा, ठीक है। तो जब मार्केट कितना नीचे चला जाएगा, जब हमें पता ही नहीं कितना नीचे जाएगा, तो फार मंथ से खेल लो, ठीक है साजिद। तो स्टॉक फ्यूचर्स की डेटा ना हमारे लॉन्गर टर्म ट्रेंड को डिसाइड करने में हेल्प करता है, वाई बिकॉज अनटिल अनलेस कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो गया हो, ठीक है, ये चीजें FIIs को बहुत बड़ा नुकसान देंगी। अगर उनकी शॉर्ट पोजीशन है और मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है, ऊपर ही जाता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कब कितना ऊपर चला जाएगा, एक बार तो टॉप बनाएगा बनाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज है, अगर आप इस चीज को अक्टूबर में देखोगे ना, 18 अक्टूबर के आसपास, वो भी आपको विजिबल हो जाएगा कि यार स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग जो थे इनके बुक होने लग गए थे सितंबर के एंड से, ठीक है। ये नंबर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और एक पॉइंट पे आके ऑलमोस्ट नेगेटिव भी चला गया। तो अब आप समझ जाओगे खुद ही कि यार स्टॉक फ्यूचर्स में तो शॉर्ट्स बड़े बैठे हुए हैं, तो ऊपर कितना चला जाएगा, ठीक है। तो वंस यू आर डन डिसाइडिंग कि वेयर द लॉन्गर टर्म ट्रेंड कुड बी, फिर हम इंडेक्स की डेटा देख के वीकली टू वीकली खेल सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा देखने में, क्योंकि मुझे भी देखो 7-8 महीने लग गए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, अच्छे से रीड करने में, बट आप खुद ही अपने माइंड से सोचो कि अगर आपके पास आज की डेट में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग की तरफ होते हैं, तो क्या आप मार्केट को गिरने देते हैं? नहीं गिरने देते हैं, राइट? नहीं। तो अगर गिरता, मान लो 10 रुपए भी गिर जाता, तो मेरे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट में तो मेरे को पता नहीं कितने लाखों करोड़ का नुकसान होने लग जाता, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट स्टॉक ऑप्शंस की डेटा इरेलेवेंट है, कुछ कुछ लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन की डेटा वीकली टू वीकली कुड हेल्प, इंडेक्स फ्यूचर की डेटा आपको एक लॉन्गर टर्म मंथली टू मंथली का ट्रेंड बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर इसके बेस पे आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो कि भाई हम लॉन्ग की तरफ ज्यादा हेवी बायसनेस बना के जाएं, या फिर शॉर्ट की तरफ बायसनेस बना के जाएं, ठीक है गाइस। आप इस पे एक लर्निंग वीडियो बना देना, यूट्यूब पे डाल दीजिए यार। वो बस हमने एक सेशन तो किया था, 7 घंटे का है ऑलरेडी, ठीक है। तो प्लान इस वीकेंड पे यही है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके अपलोड कर दूं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने 5 मिनट में आपको बताया, आपने 5 मिनट में समझोगे, पहली चीज तो समझना जरूरी है कि भाई जब लॉन्ग्स बनते हैं तो हाउ इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट्स, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट साइड तो आप हेज भी कर सकते हो बना के, भाई शॉर्ट अगर आप हेज कर रहे हो तो आप बेरिश नहीं हो, बट लॉन्ग्स जब आप क्रिएट करते हो तो आप स्पेक्युलेटिव लॉन्ग्स बना रहे हो, तो मतलब कि आप बुलिश हो मार्केट के लिए, ठीक है। तो काफी सारी चीजें होती है, मतलब एक सिंगल चीज नहीं है जिसको एकदम क्लियरली समझा दूं, बट इस वीकेंड प्लान है कि एटलीस्ट 2-3 वीडियो काट काट के उसको अपलोड कर दूं, ठीक है शादिन। ओके थैंक यू। ओके गाइस, ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।